उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 19 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई स्वामी विवेकानंद की संदेश यात्रा आज झुंझुनू पहुंची। इस अवसर पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद झुंझुनू के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से संदेश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में शहर के लिए रवाना हुई। यात्रा को पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के संयोजक प्रभारी ने बताया कि यात्रा 7 दिसंबर को झुंझुनू में संपन्न होगी। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि मूल शुरुआत इसकी खेतरी से ही हुई थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी स्वयं युवाओं के लिए हमेशा से आदर्श रहे हैं और मेरे व्यक्तिगत छात्र जीवन में भी मेरे आदर्श रहे हैं और उनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज के युवा को भी उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत सरकार के सौजन्य से राजस्थान प्रांत के अंदर 33 जिलों में 50 दिन की एक यात्रा का हमने एक संकल्प लिया और ये संकल्प हम लोगों ने 19 नवंबर को खेतड़ी से प्रारंभ हुई है। माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा इसे हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया और इसका समापन 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में होगा। 19 नवंबर को खेतड़ी महल से माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इसको रवाना किया है और आज ये पुनः झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ये आ रही है। आज 36वां इसका दिन है और अब ये झुंझुनू से सीकर होते हुए आज इसका नाइट होल्ड सीकर है। सीकर में झुंझुनू में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद सीकर में निकलेगी, तत्पश्चात ये 26-27 को जयपुर में रहने वाली है और 7 दिसंबर को 50 दिवस पूर्ण होने के उपरांत में जोधपुर में समापन इसका कार्यक्रम होगा।